हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे न्यूज़ को जोड़ के, कैसे कुछ पिक्चरों को जोड़ के हम पैसे बना सकते हैं, और हम समझेंगे कि कैसे जो न्यूज़ चल रही होती हैं उसको कैसे एनालाइज करें, कैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, और कैसे जो आने वाले फंडामेंटल्स हैं उसको समझें ताकि हम पैसा बना सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि G20 की बहुत ही चर्चित पिक्चर की, प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि दोनों आपस में एक कैजुअल टॉक्स करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, वैसे तो ये बड़ी आम फोटो नज़र आएगी, क्योंकि G20 में सारे ही लीडर्स आपस में इंटरेक्ट किया, लेकिन इस पिक्चर की एक बहुत ही बड़ी खासियत है। जी हाँ, और कैसे इस पिक्चर ने आने वाले 2-3 महीने में एक अपॉर्चुनिटी को ओपन कर दिया। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी समझ गए तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूँ आपका दोस्त अमित, एंड आई एम एन नेशनल सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि कैसे हम पिक्चरों और न्यूज़ों को जोड़ के आने वाले समय को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि एक बड़े इंस्टीट्यूशंस न्यूज़ को एनालाइज करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं उस पे एनालाइज करके ऑप्टिमिस्टिकली अपनी प्रडिक्शंस को लेके। तो दोस्तों, G20 में एक बहुत ही फेमस पिक्चर रही, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऋषि जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े कैजुअल टॉक्स में मिलते हुए आपस में डिस्कस करते हुए। तो ये न्यूज़ तो सबने देखी और पिक्चर भी सबने देखी, पर इस न्यूज़ का और इस पिक्चर का मायने क्या रखता है वो समझते हैं। तो दोस्तों, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इंडिया और यूके के बीच में एक डील अटकी हुई है, जिसका बोलते हैं FTA, जो कि है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो पिछले 1.5 साल से इंडिया और यूके डिस्कशंस चल रहे हैं, डिफरेंट राउंड्स हो चुके, काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई, लेकिन अभी तक जो कि एक्सपेक्टेड था पिछली दिवाली पे साइन होना, वो अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो अब G20 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर दोनों 1-to-1 कनेक्ट होके एक पॉजिटिवली माहौल बना, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये FTA एग्रीमेंट क्लोज होने की कगार पे है और इसका 13th राउंड ऑफ डिस्कशन कल से शुरू होने वाला है। जी हाँ, तो अगर न्यूज़ में देखेंगे, ऑलरेडी 12 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और 13th राउंड शुरू होने वाला है कल से। अब समझ लेते हैं कि FTA है क्या। तो FTA बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि अगर ये एग्रीमेंट होता है तो दोनों ही कंट्रीज़ जो भी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उस डील के तहत, वो आपस में एक दूसरे को से एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर उनमें जो इम्पोर्ट का टैक्स था वो रिड्यूस हो जाता है, और बहुत ही सरल तरीके से दोनों कंट्रीज़ उस प्रोडक्ट्स पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि इस ईयर एंड तक, 9 अक्टूबर में FTA कंक्लूड होना चाहिए, तो एक सेक्टर और एक स्टॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट ले सकता है, तो वो इंडस्ट्री है ब्रूअरी और विस्की की। तो और क्यों वो सेक्टर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होएगा इस डील से, तो क्योंकि देखिए, कोई भी पैक्ड स्कॉच विस्की होती है या इम्पोर्टेड विस्की होती हैं, जो पैक्ड होती हैं, उन पे ऑलमोस्ट करंटली अभी 150% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कि अगर ये FTA डील होती है तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी 150% से घट के 100% रह जाएगी। तो मोटा मोटा सीधा 50% जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सीधा कंपनी को, कस्टमर को भी बाईपास कर पास कर पास ऑन कर सकते हैं वो बेनिफिट, लेकिन मेजर बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को। प्लस नए नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी जो भी कि वही प्रोडक्ट्स लाते हैं इंडिया में जो इकोनॉमिकली वाइबल है, अगर बहुत ही महंगे हो जाएंगे तो आम जनता जो रिटेलर होता है वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आते हैं और थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट में भी आते हैं तो लोग उसको इजीली अडॉप्ट करेंगे और मार्केट उसका जल्दी वाइबल होएगा इकोनॉमिकली, तो नए प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में। अब एक कंपनी जो हमारे रडार पे आई है, जिसकी वजह से इसको बेनिफिट मिलेगा, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडॉवल्स, इंडिया में काफ़ी फेमस नाम है। तो क्यों यही कंपनी? तो सबसे पहले बात तो समझ लीजिए कि ये कंपनी डीआरजीओ ग्रुप की
कंपनी है और जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रांड है फॉर लार्जेस्ट फॉर फॉर स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरिंग, सबसे बड़ा ब्रांड है। तो इसके पहले कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके सबसे बड़े फेमस प्रोडक्ट्स हैं जॉनी वॉकर, मैकडॉवल्स, गॉडवन, रॉयल चैलेंज, सिंगलटॉन और स्मिरनॉफ, ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसे ना जाने कितने इसके फेमस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो प्रीमियम सेगमेंट में बिकते हैं। प्लस इसने पिछले 2 क्वार्टर में क्या किया, जो भी इनके ख़राब प्रोडक्ट्स थे उनको इन्होंने बेच दिए। तो जो भी इनके लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स थे उनको इन्होंने बेच दिए दूसरे कंपनीज को, और तो लॉस कम हो गया। प्लस जो इनका रॉ मटेरियल था जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ यूक्रेन और रशिया वॉर, क्योंकि वीट कॉम्पोनेंट होता है इसके रॉ मटेरियल में और यूक्रेन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था वीट का ग्लोबली जिससे ये लेते थे, तो वो कॉस्ट काफ़ी हाइक हो गया था जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया था, जो ग्रेजुअली अब अंडर कंट्रोल आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ डियाजियो ब्रांड और इसकी फ्लैगशिप कंपनी जैसे, और ऑलरेडी ग्लोबली सबसे बड़ी ब्रांड है, तो जैसे ही इंडिया में इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी यूके से तो इम्पोर्ट आसान होएगा, प्लस कॉस्ट वाइबल बनेगी पब्लिक के लिए और इनके प्रॉफिट्स मार्जिन, और वैसे भी इंडस्ट्री देखिए ग्रो कर रही है, अभी बहुत ही छोटा परसेंट है जो अडॉप्ट करता है प्रीमियम ब्रिवरीज को, लेकिन इसका परसेंटेज अब ग्रेजुअली इंडिया में बढ़ रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट्स का कैप्चर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर की। तो इस शेयर ने एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट, एक ये ट्रेड रेंज में ट्रेड करता था, जो हमारा था रेंज 550 रुपये से लेके और 750 रुपये को, जिसको इसने ब्रेक किया और वहाँ पे फिर इसने नया हाई बनाया 1000 और 750 रुपये को बेस बना के। ये इसने काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 1.5 महीने 1.5 साल तक इसने कंसोलिडेट किया, और फिर उसने एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया जिस पे नीचे सपोर्ट लाइन और ऊपर रेजिस्टेंस लाइन बन के, और एग्जैक्टली जहाँ पे ये कोलाइट किया वहीं पे इसने ब्रेकआउट दिया 950 रुपये के ऊपर। तो इसने एक बेस बनाया 750 रुपये का जिसपे इसने 2 बार वहाँ सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से पुल बैक लेके बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। और देखिए पिछले मई से ही आशंका जताई जा रही थी कि ये FTA इस साल होएगा, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने इसमें एक मूव दिखाया। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही अगर ये न्यूज़ मार्केट में आएगी कि FTA एक फाइनल इसमें आ रहा है, तो जो भी इसकी बेनिफिशरीज ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा मैकडॉवल्स, इसको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं और इसको किसी से लेना नहीं है, इसकी खुद की पेरेंट कंपनी है डियाजियो, जिससे इनको बस इंडिया में इम्पोर्ट करने हैं प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सीधा सीधा इनको प्रॉफिट मिलेगा। और इसका जो अगला टारगेट बनेगा वो आएगा करीब 1200 रुपये का। तो जो पहला टारगेट के लिए ये करेगा ऑलमोस्ट 1200 रुपये, और उसके बाद अगर इसको 2 से 3 साल तक आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये 2 से 3 गुना तक पोटेंशियल देने का रखता है दमदम ये शेयर। तो होप अब आपको समझ आएगा कि कैसे न्यूज़ को पिक्चर को कंबाइन करके हम एक स्टॉक तक कंक्लूड करते हैं जिससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाते हैं इसी न्यूज़ को एनालाइज करके। तो दोस्तों आपने अगर चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं हूँ आपका दोस्त अमित, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुँच सकें और हम लोग ऐसे ही कुछ नया सीख सकें हर बार। थैंक यू।